रात तक आपके पास गिव एंड टेक शुरू हो जाएंगे, और जिनका आईडी केवाईसी नहीं है इनके पास। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री मारोटी बैंक ऑफ फाउंडेशन के केवाईसी के बारे में। दोस्तों, जो इसका केवाईसी का अपडेट आया था उसमें अगर कोई व्यक्ति केवाईसी नहीं करता है तो कब तक नहीं करता है तो उसकी आईडी का क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी या कुछ और होगा, इसकी वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सिस्टम में जुड़े हुए हैं, अगर आपने अपनी केवाईसी नहीं करी है और आप करना चाहते हैं तो केवाईसी किस प्रकार से करनी है, इस पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है जो कि केवाईसी करने का सही तरीका है। दोस्तों, आप उस वीडियो को देख कर भी केवाईसी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति ने केवाईसी नहीं करी है या नहीं करता था उसके साथ क्या होगा, यह कंपनी का नया अपडेट आया। दोस्तों, ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति 18 अक्टूबर 2024 से पहले केवाईसी कर लेता है तो दोस्तों उसकी आईडी प्रॉपरली सही तरीके से चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति 18 तारीख से बाद केवाईसी नहीं करता है तो दोस्तों उसके नीचे जो पेमेंट आता है, यानी कि इस लेवल से जो पेमेंट आता है 300 वाला, 600 वाला, 900 वाला जो बंदे को पेमेंट करते हैं, वह पेमेंट उस बंदे को नहीं मिलेगा, वह पेमेंट उसके ऊपर वाले बंदे को पहुंच जाएगा जिस बंदे की केवाईसी कंप्लीट होगी। तो दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी केवाईसी कर लीजिए क्योंकि बहुत लोगों की केवाईसी इसमें रह जाएगी। तो दोस्तों, जो बंदे को पेमेंट जाना था वह पेमेंट आपको आ जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक केवाईसी नहीं करता तो उसका क्या होगा? दोस्तों, उसका कुछ नहीं होगा, जो उसकी आईडी है वह बेकार रहेगी, ना ही तो उसका पेमेंट मिलेगा किसी को। अगर 18 तारीख के बाद कोई केवाईसी नहीं करता है तो उसको नीचे से जो पेमेंट आने वाला है लेवल से, उसको किसी का भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसकी आईडी आप बेकार समझिए। लेकिन दोस्तों, जब वह अपनी केवाईसी कर लेगा तो तभी उसको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल कंपनी का यही अपडेट है। तो दोस्तों, अगर आपको केवाईसी करनी है तो इस पर हमने पहले वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपनी केवाईसी कर सकते हैं। और दोस्तों, मात्र 250 रुपये लगाकर इसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इस सिस्टम में जुड़ना है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस सिस्टम की या नई नई कंपनियों की वीडियो चाहिए जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो तो दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में, जिसमें कि दोस्तों आपको इस कंपनी की जो मीटिंग होती है उसकी भी लिंक दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।